नमस्कार फरीदाबाद, हम पहुंचे हैं मंजावली और आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस का यहां पर रेस्क्यू चल रहा है। जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए पूरी टीम यहां पर लगी हुई है। तिगांव SHO दलबीर सिंह अपनी टीम के साथ यहां पर मुस्तैदी से पूरी तरह से तैनात हैं और जो लोग जो फार्म हाउसों में जो मकानों में फंसे हुए हैं ये देखिए NDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है। ये दिखाएंगे आपको सारी यहाँ पर NDRF की टीम यहाँ पर है। तमाम वो लोग हैं जिनको अभी वहाँ से निकाला है और धीरे धीरे करके कई परिवार जो वहाँ पर फंसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है। यमुना का जलस्तर कितना बढ़ चुका है और ये देखिए ये पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। एक्शन साहब भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, कई विभागों की टीमें यहाँ पर लगी हुई है, NDRF की टीम लगी हुई है। सज्जन सिंह जी हैं बल्लभगढ़ बस स्टैंड से चौकी इंचार्ज और रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं जो दूर दूर तक जो कई घर हैं, कुछ फार्म हाउस हैं, वहाँ पर लोग जो फंस गए थे, पानी का जल स्तर एकदम से बढ़ गया और SHO दलबीर सिंह जी हैं तिगांव थाना क्षेत्र से बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से लोगों की सेवा में जुटे हैं और रात रात भर रुक कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को अभी तक यहाँ पर निकाला है। आज बबली पहुंचे हैं यहाँ पर सुरेंद्र शर्मा बबली, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, और इनकी पूरी टीम का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जो सेवा का काम जो टीम कर रही है NDRF की टीम, बहुत अच्छा काम है, नेक काम है। और आप देख सकते हैं SHO साहब बिल्कुल कितनी मेहनत से, आप देख सकते हैं SHO दलबीर है ये तिगांव थाना क्षेत्र से मंझावली एरिया में फिलहाल हम हैं। ये देखिए फरीदाबाद, बहुत मतलब शिद्दत से ये टीम जो है काम कर रही है लोगों को। अभी हमने दिखाया था कुछ लोग निकल कर जा रहे थे, उनको ये कश्ती है, ये देखिए इसमें यहाँ से निकाल कर लाते हैं यमुना से उनको। बेहतरीन कार्य के लिए फरीदाबाद पुलिस, तिगांव थाने के SHO, बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी इंचार्ज और NDRF की तमाम टीम यहाँ पर मौजूद हैं। एक्शन साहब मौजूद हैं इनको सम्मानित करते हुए। बात इन्हीं की देन है सर, एक बार इधर देख, इन्हीं की देन है, इधर देख, ये देखिए बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हम तो रास्ता बता देते हैं, कितना बचा मीटर देखिए आपसे। SHO साहब क्या मतलब कहेंगे, इतनी लोग फंसे हुए हैं और आप पूरी कल से हम देख रहे हैं काफी लोगों को आप निकाला है, पूरी टीम लगी हुई है साथ में, क्या